अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजवीरिया। कमाल, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस वक्त जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि कराची के एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और उमराह के लिए जा रही हूँ, और मुझे यहाँ पर आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 15 साल और 4 महीने बाद अपने पेरेंट्स के साथ उमराह पर जा रही हूँ, तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे मेरे माँ बाप को दुआओं में याद रखिए। दूसरी गुजारिश करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और तीसरी बात ये कि अगर आप मेरी स्टोरीज देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तमाम ट्रिप जो है वो इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पर अपडेट करती रहूँगी अगर यूट्यूब पर मैं ना भी कर पाई। आज मैं बात कर लेती हूँ कुछ टिप्स की जो कि मैं आपको दे रही हूँ कि अगर आप उमरा पर जाने वाले हैं तो एयरपोर्ट की ये टिप्स आपने लाजमी फॉलो करनी है। सबसे पहली टिप तो यह है कि आपने किसी का भी सामान लेकर नहीं आना है, यानी कि कोई आपको कहे कि ये सामान है, ये फलां को वहाँ तक पहुँचा दो या फलां को दे देना या कुछ भी, तो आपने किसी भी किस्म का कोई सामान नहीं लेना। अगर कोई बहुत क्लोज है जिस पर आप हद से ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं तो ही उनका सामान आप लेकर जाएंगे, नहीं तो आप साफ मना कर दें, कोई मुरव्वत में रहने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्पेशली सऊदीया के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और वो पाकिस्तानी पर बहुत ज़्यादा शक भी करते हैं। अपनी बात करूँ तो मुझे भी कुछ लोगों ने मैसेजेस करके कहा कि हमारी आप मेडिसिन ले जाएं, चूँकि मैं यूट्यूब पर अनाउंस कर चुकी थी कि मैं उमरा पर जाने वाली हूँ, तो उन्होंने कहा हमारी मेडिसिन ले जाएँ, फ़लाँ तक पहुँचा दें ये वो, लेकिन मैंने साफ मना किया तो उन्हें लग रहा था कि मैं बहुत रूड हूँ, लेकिन आपने उस वक्त ये रूड बिहेवियर ही दिखाना है ताकि आप बात की परेशानी से बच सकें। दूसरी चीज़ यह है कि सऊदीया में खशखश सख्ती के साथ मना है। आपने अगर खशखश मतलब अपने साथ ले ली तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा। तो एक दो मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिनके साथ काफ़ी इशू हुआ है, तो बिल्कुल भी आपने खशखश नहीं लेकर जानी है। तीसरी बात यह है कि कोई भी पाउडर, जैसे कि पाउडर मिल्क होता है या कुछ भी, तो आपने खुला वाला नहीं लेना है। जैसे कि हम यूज़ करते हैं ब्रांड एवरीडे, आप इस तरह के पैकेट्स ले सकते हैं, वो लेकर आ सकते हैं अपने साथ अगर आपने वहाँ चाय बनानी है, लेकिन कोई भी जो खुले मिलते हैं उस तरह नहीं लेना है, वरना चेकिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है और देर भी लग सकती है। और उसके बाद जो है वो ये है कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पाउडर में वाइट कलर की होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फिटकरी पाउडर यूज़ करती हूँ, लेकिन वो मैं अपने साथ नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि उसका भी यही है कि फिर आपको चेकिंग में बहुत देर लगती है और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए कोई भी पाउडर जैसी चीज़ नहीं लेकर आइए। इसके बाद देखिए, जब इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है तो हमें वैसे भी जल्दी ही आना होता है, और इस वक्त की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त रबीउल अव्वल है और काफ़ी ज़्यादा उम्र का रश है, तो आपने क्या करना है कि अपनी फ़्लाइट से, जैसे कि नॉर्मली हम 3 से 4 घंटे पहले आते हैं, तो आप उससे भी थोड़ा सा पहले, क्योंकि देखिए हमने घर में भी बैठना ही है, एक्साइटमेंट में ना तो नींद आती है ना एक्साइटमेंट में आपसे कोई काम हो रहा होता है, तो जब सब कुछ डन है तो एयरपोर्ट पे आ जाएं और अपना सारा काम जो है वो जल्दी करवाएं। इसके अलावा अगर आपके साथ कुछ ऐसे लोग हैं तो आप हैंड कैरी में सामान ज़्यादा नहीं रखें, क्योंकि फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी पकड़ने में, चलने में, और कोशिश करें कि हैंड कैरी में सामान कम से कम लें। वैसे मेरे पास थोड़ा सा है, लेकिन मैं आप सबको ये बता रही हूँ, अगर आपके साथ कोई ऐसे पेशेंट्स वगैरह हैं कि एक ही बंदा ज़्यादा उठाएगा, इस तरह का कोई इशू है, तो फिर आप ज़्यादा हैंड कैरी ना लें, कोशिश करें कि लगेज में सारा सामान भेज दें और जस्ट कुछ थोड़ा सा सामान जो है वो हैंड कैरी में ले लें। उसके अलावा कोई भी खाने की चीज़ अगर आपने लेनी हो तो आप वो लेकर आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो कैफ़ेज़ या टक शॉप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, यानी कि कुछ चीज़ें तो लिटरली डबल प्राइसेस में। तो अगर आपको चाहिए है कुछ भी रिफ़्रेशमेंट, जैसे कि अभी इस वक्त हमारी सुबह की फ़्लाइट है, तो मैं जब यहाँ से कुछ चीज़ लेने गई तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे लगी, सिवाय एक चाय के जो कि बहुत मज़े की भी थी और बहुत सस्ती, यानी कि 50 रुपीज़ ईच कप था। और लेकिन उसके अलावा जो भी चीज़ मैं पूछने गई, जिस तरह के कोई चिप्स हो गए या कोई कैन हो गया, कुछ भी जूस हो गया, तो वो डबल से भी ज़्यादा प्राइस में यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर आपने ऐसा कुछ भी पीना है, आपके साथ बच्चे हैं या कोई पेशेंट्स हैं, तो लाजमी आपने वो सामान जो है वो अपने साथ लेकर ही आना है, ख़रीद कर ही। इसके अलावा आपने नेल कटर और सीज़र जो है, क्योंकि उम्र पर जाते हैं तो बाल काटते हैं, सीज़र भी लाजमी लेके जाते हैं, नेल कटर की तो ज़रूरत ही पड़ेगी, लेकिन आपने हैंड कैरी में हरगिज़ नहीं रखना, वरना वो यूं लेकर फेंक देंगे और वो आपके भी किसी काम का नहीं रहेगा, और वहाँ तो आपको फिर ख़रीदना ही पड़ेगा। बेटर यह है कि ऐसी चीज़ें लगेज में रखें जो भी नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ हो। अब जैसे कि मैं सेफ्टी पिन यूज़ करती हूँ, जैसे कि मैंने ये स्कार्फ वगैरह बांधने में, लेकिन फिर भी ज़्यादा सेफ्टी पिन आप हैंड कैरी में नहीं रख सकते, लगेज में आप चाहें तो जितने भी रख दें, लेकिन हैंड कैरी में हरगिज़ नहीं रखिएगा। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई पेशेंट
स्टूडेंट्स हैं तो आपने क्या करना है कि उनकी जो भी मेडिसन्स हैं वो आपने लगेज में ही रखनी है, लेकिन एक दिन की मेडिसन आपने हैंड कैरी में रख लेनी है। जैसे कि जो भी सुबह की, शाम की, रात की जो भी आपकी फ़्लाइट है उसके अकॉर्डिंग आपने एक दिन की दवा हैंड कैरी में रखनी है और उसके अलावा लगेज में सारी दवाइयाँ रखनी है। यहाँ पर एक और बात बता दूँ, अगर आपके पास कोई ऐसी मेडिसन है जैसे कि नींद की दवा है या किसी कोई भी ऐसी मेडिसन जिससे कोई नुकसान हो सकता है, जैसे कि सुसाइड की जा सकती है या इस तरह की कोई भी चीज़, जैसे इस तरह की कोई भी मेडिसिन अगर आपके पास है तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन लाजमी लेके आइएगा, वरना भी एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपसे प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर पूछे। सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि आपने एयरपोर्ट पर तो कोई आपको ये कहे कि ये बच्चा संभाल लो या ये बैग पकड़ो ज़रा मैं आ रहा हूँ, या वॉशरूम में भी कोई आंटी अक्सर मिल जाती है जो ये कहती हैं, वॉशरूम में भी अक्सर कोई आंटी मिल जाती है जो कहती है एक दफ़ा पर्स पकड़ना मैं आ रही हूँ। तो एयरपोर्ट पे मुझे एक बार किसी ने एक बात बोली थी कि हमदर्दी रखनी है, लेकिन जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं कि आप किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो सब चीज़ें एयरपोर्ट से बाहर और स्पेशली सऊदीया के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपने सबसे पहले अपने लिए भी सोचना है और किसी भी मुश्किल में पड़ने से बेहतर ये है कि एहतियात की जाए। और ये कुछ टिप्स थी जो यकीनन सबको मालूम होंगी, लेकिन मैंने कहा कि मैं आज एयरपोर्ट पर बैठी हूँ तो सबसे शेयर कर लेती हूँ ये छोटी छोटी सी बात। बात शेयर कर लेती हूँ कि एक प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ जो मैंने कहा कि इसी वीडियो में मैं अभी ही बता देती हूँ, क्योंकि वो वीडियो मैं बना चुकी थी लेकिन मैंने कहा चले जी अभी बता देती हूँ। वो ये है कि मेरे पास जितना भी खाने पीने का सामान था वो मैंने हैंड कैरी में रखा हुआ था, यानी कि आधा आधा करके दो हैंड कैरी बनाए थे जिसके अंदर कुछ मेरा ज़रूरी सामान था, जैसे कि स्कार्फ मुझे चेंज करना था, ये मैंने ऐसा अहराम पहना है और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो जैसे ही हम बोर्डिंग के लिए हुआ तो उन्होंने कहा कि आपके जो ये जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो जहाज़ में लेकर जाना ममनू है। अब ममनू से ये लगा कि भाई इन्होंने कह देना है कि फेंक दें। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे देकर चीज़ें मंगवाई थी कि भाई ये मिठाई ले आना, वो मिठाई ले आना, जो कि मैंने एयरपोर्ट से परचेज़ की, तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा डर भी गई क्योंकि सारी सी बातें मैं पैसे ले चुकी हूँ, सामान नहीं लेकर जाऊँ। तो उस वक्त इतना पैनिक हो गया था एकदम से, क्योंकि बोर्डिंग होने वाली थी और समझ नहीं आ रहा था क्या करें, कौन सा बैग उन्हें दें। जब एक जैसे रहमती श्री का जो बैग होता है ना वो मैंने दिया, तो उन्होंने कहा नहीं जी आप हमें प्रॉपर कोई हैंड कैरी दें जिसके अंदर पैक हो जाए सामान। अब हम कैसे पैक करें, तो उसके अंदर फिर ये किया, जो भी हैंड कैरी हमारे पास थे उसको हमने एडजस्ट करके खाने पीने की सारी चीज़ें एक जगह करके उनको दे दी, और दूसरा जो बैग था वो हमने अपने पास रख लिया। अब यहाँ पर मैं टिप आपको ये दूंगी, पहले मैंने बैकग्राउंड आपको समझा दिया है कि खाने पीने का सामान या तो अगर आपने हैंड कैरी में करना है तो उसका अलग से एक बैग बना लें, ठीक है, एक प्रॉपर बैग हो खाने पीने का। वो आपसे उन्होंने कहा है कि हम आपसे इस एयरपोर्ट पर ले रहे हैं और सेम एज लगेज आपको जद्दा एयरपोर्ट पर वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जितना भी खाने पीने का सामान है वो एक ही जगह होगा और आपको जद्दा एयरपोर्ट पर वो बिल्कुल लगेज की तरह मिल जाएगा, वो भी हम देखते हैं जद्दा एयरपोर्ट पर क्या होता है। लेकिन अगर आपने मेरी तरह किया कि हैंड कैरी में ऐसे कर लिया कि आधा कुछ सामान आधा कुछ सामान, तो सब इतना पैनिक हो जाएगा, क्योंकि हैंड कैरी हमारे पास होता तो उसके SSH लॉक भी नहीं थे और हम इस तरह सोचकर भी नहीं आए थे, तो थोड़ा सा पैनिक हो गया था। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखिएगा और कोशिश करें कि खाने पीने की चीज़ें कम से कम लेकर आएँ, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इस बार जो है तंग किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, कभी क्या इवन पहले भी मैं सऊदी एयरलाइन में खाने पीने की चीज़ें हमेशा हैंड कैरी में लेकर आई हूँ, कभी भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल इनकी पॉलिसीज़ हैं जो चेंज होती रहती हैं, तो इस वक्त ये चीज़ है कि आप हैंड कैरी में खाने पीने का कोई सामान नहीं रख सकते, और अगर रखेंगे तो आपको वो हैंड कैरी भी ऐसा लगेज जमा करवानी पड़ेगी और फिर वो आपको जद्दा एयरपोर्ट पर मिलेगी। तो उसके अंदर आपका कोई ज़रूरी सामान यानी कि कोई वैल्यूएबल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लाइक कोई भी आपकी कीमती चीज़ ना हो और जस्ट खाने पीने का सामान। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। मेरी तमाम स्टोरीज़ आपको उम्रा से रिलेटेड वहीं मिलेगी और इंशाल्लाह मैं यहाँ पर भी डे टू डे व्लॉग्स भी और उसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करती रहूँगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।